भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के हर्रई में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र लोधी के समर्थन में जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मंच पर चंद्रभान सिंह और पूर्व मंत्री दशरथ सिंह को बुलाकर सभी मतभेद भूलकर पार्टी और संगठन के हित में कार्य करने की अपील की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने रामकृष्ण कुसमरिया से मीडिया के माध्यम से अपील की कि बाबा हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपसे हमने देश पर मरना मिटना सीखा है, सभी मतभेद भुलाकर पार्टी का समर्थन कीजिए। इसके अलावा उन्होंने सोमवार को बटियागढ़ में आयोजित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा पर उठाए गए सवालों के जवाब में उमा भारती ने उन्हें बाप की कमाई खाने वाला बताकर व्यंग कसा। समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति कर बांटने वाले दल बताया। मुसीबत के संकट की घड़ी के साथी सब हमारे साथ खड़े हैं। चंद्रभान जी ही हमारे इधर उधर थोड़ा चक्कर लगा आते हैं, आओ आओ इधर आओ इधर, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि अब इधर उधर का चक्कर बंद करेंगे और अब टिक कर के भारतीय जनता पार्टी में अंगद के पांव की तरह रहेंगे, ठीक है ना चंद्रभान जी। अभी एक चीज है जिसमें मध्य प्रदेश को आगे आना है और वो है कि प्रति व्यक्ति औसतन आय में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर एक का राज्य होना चाहिए और उसकी पूरी बिसात बिछ गई है प्रति व्यक्ति औसतन आय की और मध्य प्रदेश में उसका आधार बनेगी कृषि, क्योंकि कृषि में असीमित साधन होते हैं और कृषि की जो मूल शक्ति होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। जो मूल तत्व कृषि का होता है वो होता है जमीन, जमीन कभी नष्ट नहीं होती। एक साल पानी नहीं बरसेगा तो अगले साल बरस जाएगा, एक साल ज्यादा पानी बरस गया अगले साल संतुलन बन जाएगा। इसलिए जो राज्य कृषि के आधार पर तरक्की करता है वो राज्य बहुत लंबे समय तक तरक्की करता रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दमोह से ईएमएस टीवी के लिए दीपक सेन की रिपोर्ट।